लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी सियासी पार्टियों में सितारों की एंट्री भी तेजी से हो रही है। बीजेपी में भी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एंट्री मार चुके हैं और पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ से टिकट भी दे दिया है। आजमगढ़ सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट से मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 16वीं लिस्ट में जिन 6 लोगों के नाम दिए हैं, उनमें निरहुआ के अलावा मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से मनोज कोटक, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद सीट से चंद्रसेन जांदू, मैनपुरी से प्रेम सिंह साक्या, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और मछली शहर से वीपी सरोज को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव को राजनीतिक रंजिश के चलते जान का खतरा होने की रिपोर्ट खुफिया विभाग ने जिला प्रशासन को दे दी थी। भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत से राजनीति में दिनेश लाल यादव के उतरने के साथ राजनीतिक कारणों से जान पर खतरा को देखते हुए शासन ने वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आजमगढ़ SP त्रिवेणी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से विनीत राय की रिपोर्ट।